आज दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल मुझसे व्लॉगर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के अंदर श्री मुक्तसर साहिब का मोस्ट फेमस मंदिर बालाजी का मंदिर है वो दिखाएंगे। तो दोस्तों यह मंदिर बूढ़ा गुजर रोड के ऊपर बनाया गया है। तो चल रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको मंदिर। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब बस कुछ ही दूरी पर रह गया है मंदिर, तो चल रहे हैं हम वीडियो के साथ, बने रहे आप, देखते रहे वीडियो को। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, आप देख रहे हैं। अब चलेंगे हम अंदर मंदिर के, तो बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों ये है एंट्री गेट, आप देख सकते हैं ये मंदिर का एंट्री गेट है, देख लीजिए। अब चलते हैं मंदिर, दिखाते हैं आपको मंदिर अंदर से, देख लीजिए ये मंदिर है और ये मंदिर का ग्राउंड है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर यह कुछ बनाया गया है तो देख सकते हैं आप, देख लीजिए। अब चलते हैं मंदिर, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर अपने जूते उतार कर चले जाना, मैंने जूते उतार दिए हैं। तो चलते हैं मंदिर, मंदिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है एंट्री गेट मंदिर का, देख सकते हैं आप, ये मंदिर का एंट्री गेट है। चलते हैं मंदिर, देख लीजिए दोस्तों कितना सुंदर बनाया गया है ये मंदिर, देख सकते हैं आप, देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ के पुजारी से हम मिलवाएंगे और वो बताएंगे हमें इस मंदिर के बारे में। जी आप इस मंदिर के बारे में बता सकते हैं, कब बनाया गया था और किन्होंने बनवाया था ये मंदिर, और यहाँ पर जो भी मूर्ति स्थापित की गई है और उनके बारे में बता सकते हो आप? जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रोहित पंडित है। ठीक है रोहित पंडित, ठीक है जी बताइए फिर ये कब बनवाया गया था ये मंदिर? ये करीबन अभी 10 साल तक, 10 साल तक हो गए इस मंदिर को बनाए हुए। किन्होंने बनवाया था? ये बांसल जी है, मुक्तसर साहिब के, श्री मुक्तसर साहिब के विजय बांसल है, उन्होंने बनवाया है ये मंदिर। हाँ जी ठीक है जी। तो आप मंदिर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं विस्तार से हमें? हाँ जी, जो इसमें प्रतिमा लगी है बाबा की, हाँ जी, जो शिव परिवार है, राम दरबार है, बालाजी, तो उनके बारे में बता सकते हैं आप विस्तार में? हाँ जी, ये मतलब कि जो उन्होंने मतलब कि बालाजी से लेकर आए थे, खंड जो जगती है मंदिर में, ठीक है जी, बालाजी। तो इनकी तरफ से कोई मेला वगैरह भी लगाया जाता है? नहीं जी, मंगलवार को भारी भक्तों की यहाँ पर भीड़ होती है, भंडारा होता है, मतलब भंडारा लगता है। ठीक है जी, मंगलवार के दिन, मंगलवार, ठीक है जी। चलो चलते हैं, दिखाइए आप हमें, बताइए विस्तार से। हाँ जी, ये बाबा भोलेनाथ का जी मंदिर है जी, इसमें सब मतलब की शिव परिवार समेत मूर्तियां स्थापना करवाई गई है। ठीक है जी, देख लीजिए आप दोस्तों, शिव परिवार है ये। ठीक है जी आगे चलते हैं। ये जी राम दरबार है जी, भगवान राम सीता माता लक्ष्मण सात बाबा बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापना करवाई गई है। ठीक है जी, देख लीजिए आप दोस्तों, ये बालाजी की प्रतिमा लगी हुई है, बालाजी की, ये जो राजस्थान में प्रतिमा आप देखते हो बालाजी धाम, बिल्कुल वही प्रतिमा राजस्थान से लेके आई गई है ये प्रतिमा बालाजी के यहाँ से। हाँ जी, बालाजी का वो प्रतिमा, ये प्रतिमा बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, मतलब कि सेम है, वहाँ से ये लेकर आई गई है और यहाँ पर स्थापित की गई थी। हाँ जी, वहाँ की ज्योति यहाँ पर जगती है। ठीक है जी, देख लीजिए दोस्तों, वो ज्योत जग रही है। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है जी,
ठीक है जी। जिंदगी अमर मूर्तियाँ मतलब की स्थापना है, देख लीजिए दोस्तों राधा कृष्ण जी को। माता दुर्गा जी का मंदिर है, माता दुर्गा जी का मंदिर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर माता दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की गई है, देख सकते हैं। संदूर वाले बाबा जी, बालाजी, बालाजी, ठीक है जी। ये भी वहीं से लेकर आई गई है? हाँ जी। कहाँ से? बालाजी के राजस्थान से। हाँ जी, ये तो मतलब कि हर मंदिर में मतलब कि आपको मिलेगी। ठीक है जी, हर मंदिर में स्थापित की जाती है मूर्ति, देख लीजिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए आप बालाजी के। ये हमारे जो श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पर बांध के जाते हैं, बाबा जी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो ये श्रद्धालु नारियल लाल कपड़ा और मोली बांध के जाते हैं, इससे उनके मन में मतलब कि एक आस्था है कि बाबा जी हमारी मुराद पूरी करेंगे। ठीक है जी, जय बाबा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।